सिंपल फैमिली इन अब्रॉड। होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। और आप सोच रहे होंगे मैं फिंगर में क्या कर रही थी, क्या देख रही थी। आजकल मेरे बच्चे जो हैं उनको कुछ भी नॉलेज होता है मेरे साथ शेयर करते हैं, उससे मेरे नॉलेज का जो लेवल है यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। तो जूजू अब कुछ दिन पहले ही बोल रही थी कि ये रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर, ये दोनों से हमको पता चल सकता है कि इंसान का पर्सनैलिटी क्या कैसा है। अब किसी का अगर रिंग फिंगर लंबा है, इंडेक्स फिंगर ये वाला इंडेक्स फिंगर है इससे अगर लंबा है तो फिर वो इंसान बहुत चार्मिंग होता है, लाइवली होता है, ज़िंदगी को जीना जानते हैं, जीना चाहते हैं, इस टाइप का होता है। और थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है कभी कभी, लेकिन वैसे बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी का होते हैं। वही अगर इंडेक्स फिंगर अगर लंबा होता है, ये वाला फिंगर अगर लंबा होता है तो इंसान होता है नेचुरली लीडर। वो लीडर एज ए लीडर ही बॉर्न होते हैं और हर चीज़ में वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। और अगर दोनों फिंगर इक्वल हो, इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर अगर इक्वल हो, तो पर्सनैलिटी जो होता है इंसान का बैलेंस होता है। बहुत ज़्यादा शांति पसंद होता है, पीसफुल इंसान होता है, माइंड बैलेंस माइंड होता है। तो अब आप देखिए आप कौन से पर्सनैलिटी के हो। मैं भी ये वही देख रही थी कि मेरा मैं क्या हूँ। और गाइस एक और बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है, बच्चों ने आज मुझे चैलेंज दिया है, कलर चैलेंज। उन लोगों ने मुझे व्हाइट कलर चैलेंज दिया है। आज मुझे कुछ भी करना है व्हाइट कलर में करना है, कुछ भी खाना है व्हाइट कलर में खाना है। तो देखते हैं मैं कितना सक्सेस होती हूँ व्हाइट कलर चैलेंज में, कितना खरी उतर पाती हूँ मैं। पहले मुझे कपड़ा चूज करना है व्हाइट कलर का। ये जो पहन रही हूँ इसमें थोड़ा पिंक है और ये थोड़ा सा क्रीम कलर का है। तो फ्रेंड्स व्हाइट कलर चैलेंज के लिए मैं कुछ कुछ कपड़ा निकल के लाई हूँ। मेरे पास उतना कलेक्शन नहीं है व्हाइट कलर का, फिर मैं लाई हूँ। पहले मैं ये मेरे पास एक गाउन है, लेकिन ये अगर पहन के मैं दिन भर नहीं रह पाऊँगी और ऊपर से इसमें कुछ दाग थोड़ा भी लग जाएगा तो फिर बहुत गलत हो जाएगा, इसलिए मैं इसको रिजेक्ट करती हूँ। ये एक टॉप है मेरे पास जिसमें ये भी व्हाइट ही है, या तो मैं ये पहन लेती हूँ या फिर ये एक पूरा ही घर में पहनने वाला टी शर्ट है। लेकिन बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मा ये व्हाइट नहीं है, ये ग्रे कलर और ब्लू कलर का डिजाइन भी है, तो मैं ये पहनती हूँ। चलिए मैंने व्हाइट ड्रेस तो पहन लिया है, थोड़ा थोड़ा ब्लैक डॉट है, लेकिन उसको थोड़ा बच्चों को भी बोला मैंने कि इग्नोर कर दे बच्चे। तो अब मैं नाश्ता बनाऊंगी व्हाइट में ही। बॉयल पास्ता में मिल्क डाल देंगे, चीज़, साथ ही मैं कुकिंग क्रीम डाल दूँगी और थोड़ा सा ड्राई होने दूँगी। बस पास्ता रेडी। तो फ्रेंड्स मैं व्हाइट चैलेंज के लिए रेडी हूँ। बच्चों देखो मैं रेडी हूँ और बच्चों को भी, मैंने बच्चे भी व्हाइट ही खाएंगे ना। तो चलिए मैंने क्या क्या लिया दिखाती हूँ आपको। ये व्हाइट पास्ता है, ये मैंने थोड़ा सा एप्पल भी ले लिया है, साथ में थोड़ा सा ब्रेड है जिसमें मैं मायोनीज लगाऊंगी। पाइनएप्पल जैम है, लेकिन इसका कलर में दिक्कत नहीं है, व्हाइट कलर में आएगा कि नहीं बच्चों को पूछती हूँ, ये व्हाइट कलर में आता है कि नहीं। बच्चे अगर अलाउ करेंगे तो मैं ये जैम खाऊंगी, अगर नहीं अलाउ करेंगे तो नहीं खाऊंगी। बच्चों ये व्हाइट में आता है या नहीं? जूजू बारबी लेकिन व्हाइट है ना, नहीं ऑरेंज बोल रहे तो मैं अब नहीं खा सकती हूँ। हाँ तो मैं नहीं खाऊंगी ये, मैं मायोनीज से कम चला दूंगी। ये खबूस है मेरे पास, थोड़ा सा खबूस भी खा सकती हूँ मायोनीज के साथ। पास्ता बहुत यम्मी बना है, ये टेस्ट करती हूँ। ब्रेड मायोनीज, कबूस एंड अरबिक ब्रेड बोलते हैं इसको, इसको भी मायोनीज के साथ ही खाऊंगी मैं। और
और गाइस ब्रेकफास्ट तो हो गया हम लोगों का व्हाइट कलर में, अब लंच भी व्हाइट कलर में करना होगा, इसलिए मैं व्हाइट चिकन बनाऊंगी। उसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है, व्हाइट चिकन है इसलिए अनियन को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा फ्राई करेंगे तो उसका कलर ब्राउन हो जाएगा, इसलिए मैं अनियन को थोड़ा सा मैं ग्रिल कर लिया मैंने, ताकि उसका जो कच्चापन है वो भी चला जाए और फ्राई करने पर जो टेस्ट आता है वो टेस्ट भी हमको आए। तो हो गया है ग्रिल, अब मैं इसको पीसूंगी, साथ में थोड़ा सा कैशूनट और एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लूँगी। और बच्चे जब भी घर पे रहते हैं हमेशा टीवी, मोबाइल, लैपटॉप इन में ही रहना चाहते हैं, इसीलिए मैंने भी उनको चैलेंज दे दिया है, उनको मैंने ऐसे राइटिंग चैलेंज दिया है, माय डेली लाइफ। कैन यू टेक क्लॉक्स प्लीज? सी एलो सी के सी के जुजू भी लिख रही है माय डेली लाइफ गुड। मैंने कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई गर्म हो गया तो मैंने उसमें ऑयल डाल दिया, साथ में होल स्पाइसेस, तेजपत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, और अब चिकन मैंने डाल दिया है, साथ ही में जिंजर गार्लिक और ज़ीरा का मैं पेस्ट डाल लूँगी और चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, सॉल्ट स्वाद अनुसार थोड़ा देर फ्राई करेंगे, और मैंने जो पेस्ट बनाया था ऑनियन और कैशवनात का वो पेस्ट भी इसमें डाल देंगे। और ये योगर्ट है, दही योगर्ट में थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर डाल लूँगी, धनिया पाउडर मिक्स करके चिकन करी में डाल देंगे, और ये कुकिंग क्रीम, कुकिंग क्रीम हाफ कप जितना डाल के मिक्स कर देंगे। और अब मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, और बस अब कवर कर देंगे और थोड़ी देर पकने देंगे। और गाइस बच्चों का दिया हुआ चैलेंज में मैं खरी उतर चुकी हूँ, बच्चों ने मुझे पास कर दिया है, तो अब खुशियाँ मनाते हैं, आई एम सो हैप्पी। और शाम हो चुका है, बच्चों को लेके थोड़ा सा हम लोग बाहर आए हैं, और ये मेला है, हम जो पहले भी आए थे एक मेला में, आपने अगर देखा है मेरा पहले वाला वीडियो, तो उसी मेला के बगल में ये मेला नया स्टार्ट हो रहा है, और ये उससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं ये लोग, इधर खाने पीने का भी ज़्यादा वैरायटीज है। हाँ मैंगो है, मैंगो ले लो बारबी, थैंक यू। जस्ट मेला में एंटर ही किए थे कि यहाँ पे जो स्टॉल लगाते हैं वो आके हम लोगों को थोड़ा सा जूस दे दिया है। पानी पूरी कितना? 15 ग्राम 20 ग्राम करते हैं। और पानी पूरी के स्टॉल से हम लोगों ने पानी पूरी ले लिया है, बच्चों ने आइसक्रीम ले लिया है, और इस वाले स्टॉल पे ऐसा छोटा छोटा पैकेट है चनाचूर, चना, मटर, कॉर्न, ये सब देख के मुझे मेरे गांव याद आ रहा है, क्योंकि हमारे गांव में भी थिएटर होता है और कुछ मेला होता है, वो सब में ऐसे छोटे छोटे पैकेट मिलते हैं और वो बहुत टेस्टी रहता है खाने को। मैंने जितना हो सके मैंने ले लिया है यहाँ से ख़रीद के, और मैं अब जूस वाले भैया के पास आई हूँ, क्योंकि उन्होंने बिना पैसे के दे दिया था छोटा छोटा हम लोगों को, अब मैं इनसे ख़रीद के खा रही हूँ। और बस अब घूम लिया हम लोगों ने मेला, और गाइस मैं वीडियो अब यही ख़त्म करना चाहती हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक चलिए बाय बाय।